विश्व हिंदू परिषद और महापौर इंदू देवी के नेतृत्व में अयोध्या से आए हुए पूजित अक्षत का घर घर वितरण किया गया। इस अवसर पर महापौर इंदू देवी ने कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि अयोध्या से आए पूजित अक्षत और निमंत्रण देने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। महापौर ने यह भी कहा कि विश्व हिंदू परिषद अयोध्या के मंदिर निर्माण में अहम योगदान रहा है। आज इस संगठन के साथ निमंत्रण देने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कार्यक्रम 5 स्टार महापौर के घर से बिंद टोली के कई गलियों और सड़कों घरों में वितरण किया गया और यह भी निवेदन किया गया कि आगामी 22 जनवरी को प्रत्येक घर में दिवाली मनाई जाए और 22 जनवरी के दिन के बाद लोगों को अयोध्या जाने का भी निमंत्रण दिया गया। इस कार्यक्रम के नगर संयोजक अभिषेक चौरसिया साथ में थे। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम टेंट से मंदिर में स्थापित होने जा रहे हैं, इसलिए इस पीढ़ी का सौभाग्य है जो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होते हुए हम लोग देख रहे हैं। साथ ही महापौर प्रतिनिधि प्रेम पंकज उर्फ ललन जी ने कहा कि कुछ साल पहले हम लोगों ने समर्पण निधि के लिए घर घर गए थे, आज निमंत्रण देने घर घर जा रहे हैं और हम सभी को राम के काम में आगे आकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और लोगों से यह भी अपील किया कि लोग अपने घर पर उत्सव मनाएं और इस 22 जनवरी को पूरे शहर को दीप से सजा दें और पूरे शहर में दीपावली मनाएं। इस अभियान में विश्व हिंदू परिषद के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। इस अक्षत वितरण के तहत पूरा रास्ता जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस अक्षत अभियान में शहर में एक राममय माहौल बनाया है।